ये देखिए अभी यहाँ पे क्या है, ये खेत जो है ये टोटल खेत है, ये आलू की बुवाई के लिए इनकी तैयार, मतलब इनका बिल्कुल एक तरफ से जुताई बिल्कुल आलू बुवाई के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन बारिश हो जाने के कारण ऐसा लगता है कि आलू की बुवाई जो है लेट होती जा रही है, और बारिश जो है कंटिन्यू भी 10-12 दिन के लिए और दिखा रहे हैं कि बारिश है भी और भी होगी लगभग 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को। और इधर भी खेत टोटल है, जितने भी खेत है ये टोटल खेत जो है आलू बुवाई के लिए तैयार हुए थे, और उन सभी खेतों में बाकायदा अच्छी तरीके से पानी भर चुका है और बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बराबर बारिश हो रही है। थोड़ा आप बादलों की तरफ भी देख सकते हैं, बादल दिखा दीजिएगा भैया, बादल देख पा रहे हो आप लोग कितने घने बादल है, और कभी भी बारिश हो सकती है, बराबर हो ही रही है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अभी आप लोग इसी चीज़ के लिए निर्भर कर रहे हैं कहाँ पे कितनी बारिश हुई है, तो चलिए चलते हैं सीधे खेतों पर। तो देख रही है, ये सकरावा क्षेत्र है और ये आपका जो है कन्नौज जिले में ही पड़ता है। आप लोग देख पा रहे हैं दूर दूर जो खेत है वो पानी से लथ पथ है, और अभी फिलहाल में है जो इधर आप लोग देख पा रहे हो बराबर कंटिन्यू जो है ना बारिश हो रही है, और खेतों में पानी जो है बहुत अच्छी तरीके से भर चुका है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि जो आलू का फसल उगाया जा चुका है, मतलब बोया जा चुकी है, आलू की बुवाई जो हो चुकी है वो अब नष्ट हो जाएगी ऐसा लग रहा है, ऐसा देखने के बाद पता चल रहा है, और पूरा पूरा खेतों में बाकायदा अच्छी तरीके से पानी भर चुका है, और जहाँ तक नज़र आ रही वहाँ पर पानी बड़ी नज़र आ रहा है, बराबर कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो चलिए और भी देखते हैं अन्य जगहों की स्थिति क्या है इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और इस वीडियो में आपको कई जगहों की पोजीशन देखने को मिल जाएगी। इधर धान की खेती ज़्यादा है, और अभी फ़िलहाल में हम लोग इधर के क्षेत्र के कोल्ड स्टोर में भी चले गए और देखेंगे इधर के कोल्ड स्टोरों की क्या स्थिति है। हाँ मेरी आई है, बहुत ही बारिश हुई है। देखिए यहाँ पर झोरा यहाँ डूब गया है, कुड़ी तो बिल्कुल ही गायब हो गई है, आलू में 70-80% यहाँ नुकसान हो गया है, किसान तो इधर तो बेचारा मारा ही गया है एक तरीके का। ये दो लोग यहाँ किसान लोग जा रहे हैं, इनसे बात करके बताएंगे कि इन लोगों का क्या कहना है। इधर आओ बताओ, इधर आगे आलू तो बिल्कुल नहीं खत्म ही हुई भाई, तुम मारो डी ऐसी दुनिया वायरल हुई जाए। बताओ मनीष यादव RS कोल्ड स्टोर के ओनर, बताओ साहब क्या है आपका आलू का? आलू बहुत सारी मार हुई होता लग रहा है, यही ना आलू बात था, आलू बात है, नुकसान है सब यार, हमारा सब ही कल वाले पानी में जो है और ना रहे आज तो आए हुआ है। डरे है कहाँ, डरे है कहाँ, माय न्यू चैनल, ये आप लोग देख रहे होंगे आलू के खेत हैं, बहुत ही बारिश के कारण खेतों में भरा पानी, आलू में 50% नुकसान
होने के चांस हैं। और ये आलू हम मैंने 20 तारीख को लगाया था, ये इसका जर्मिनेशन ये अच्छा हो रहा है इस आलू का, इसमें काफ़ी कम नुकसान होने मतलब दिखने को कम लग रहा है। और ये आलू 28 तारीख को लगाया था, इसमें इस खेत में पानी नहीं, ये बालू मिट्टी है। और आप यहाँ इस खेत में देखते हैं बहुत ही बारिश के कारण मतलब ज़्यादा पानी यहाँ भर गया, अब आलू बिल्कुल ख़त्म ही है यहाँ खेत में, ऐसे मान लो तुम। जहाँ मैं तो यहाँ जेरा पूरा यहाँ भरी गो हुआ है। और ये काफी, और हमारे बीच ये काफी नौजवान किसान हैं, इनसे चर्चा करेंगे आलू के बारे में। ये क्या बताते हैं,